निथाई गौर प्रेमानंदे श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की सुदर्शन चक्र भगवान की श्री श्री राधा गिरिधारी की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। सब लोगों का बहुत धन्यवाद है, आपने हमें आमंत्रित किया यहाँ पर इस सुंदर महीने में, कार्तिक महीने में। हरे कृष्णा। तो छोटे समय में, थोड़े समय में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइम पीरियड है ये कितना इम्पोर्टेंट है। मनुष्य जीवन में समय बहुत इम्पोर्टेंट है ना? कभी कोई बालक होता है तो समय के प्रभाव से फिर युवा अवस्था में आ जाता है, तो वही व्यक्ति एक दिन वृद्ध हो जाता है, सफ़ेद रंग के बाल फिर काले हो जाते हैं या चले जाते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है फिर कभी बीमार हो जाते हैं। बहुत शक्ति होती है युवा अवस्था में, वृद्ध अवस्था में शक्तिहीन हो जाता है। ये सब क्यों होता है? काल के प्रभाव से होता है। काल बहुत पावरफुल है ना? मराठी में ऐसा कहावत है, होत्याचं नव्हतं झालं, समजते मराठी? जो था वो नहीं है ऐसा हो गया, जो था वो नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? समय के प्रभाव से। बचपन में गांव में थे, स्कूल में पढ़ते थे, फिर शहर में आ गए, फिर यहाँ पर ही आगे की पढ़ाई की, 15 साल के बाद गांव गए तो क्या दिखता है वहाँ पर? सब चेंज दिखाई पड़ता है। जो कुछ थकाई था नहीं पहले भी आ गया, उधर बिल्डिंग आ गई, बहुत सारे रास्ते नहीं थे, रास्ते हो गए। तो समय का स्वभाव क्या होता है? परिवर्तन, सब कुछ बदलता है समय से। आपका एक साल का फोटो देखो, अभी का देखो, सब चेंज है। 10 साल के बाद देखो भी चेंज मिलेगा। तो इसका सारांश इतना ही है कि समय मनुष्य जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन से समय पर क्या करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। सही समय पे अगर सही काम नहीं किए तो आगे उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। पढ़ने के समय पढ़ाई नहीं की, मस्ती की, तो आगे जीवन में फर्क पड़ेगा कि नहीं? सभी आपके पोजीशन में पड़ेगा, आपके अर्निंग में पड़ेगा, आपके सम्मान में फर्क पड़ेगा, सब चीज़ में फर्क पड़ेगा। अगर वो समय का उपयोग अगर हमने ठीक से नहीं किया तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। और समय पर हमने अगर अच्छे काम किए तो उसके अच्छे फल से अपना जीवन पूरा परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए समय को महत्व, समय का महत्व समझना इस जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं केवल प्रधानमंत्री को ही समय का महत्व समझना चाहिए, उनका बहुत समय कीमती है, नहीं, सामान्य व्यक्तियों का भी समय बहुत कीमती है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य जीवन का समय है। हम सब लोग मनुष्य जीवन में हैं, मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती होता है। और मनुष्य जीवन का ही समय कीमती क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य जीवन में इस समय के प्रभाव से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कुत्ता बिल्ली कितने भी साल जिएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पेड़ तो हजारों साल जीते हैं, हमारे मनुष्य के भी कई पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं फिर भी पेड़ वहीं खड़ा रहता है, उसको वैल्यू नहीं है। है ऑक्सीजन मिलता है लेकिन पेड़ के लिए, उस आत्मा के लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक ही जीवन है मनुष्य का जिसमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो हर दिन में एक समय होता है, सवेरे का समय, उसको कहते हैं ब्रह्मा मुहूर्त। वो ब्रह्म मुहूर्त पे भगवान को पुकारेंगे तो ज़्यादा लाभ होता है। रात को भी पुकार सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवेरे का समय वो भगवान के नाम को पुकारने के लिए अनुकूल बताया गया है। उसी प्रकार से एकादशी आती है 2 महीने में 2 बार, उस दिन में भी जब भी भगवान को पुकारते हैं बाकी दिनों से अधिक लाभ होता है।
और साल में फिर 4 महीने होते हैं, चतुर्मास 12 महीने में। वैसे माघ मास भी बहुत महत्वपूर्ण है, चैत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, चैत्र में भी नवरात्रि आती है, राम जी का जन्म है, माघ में माघ मेला लगता है त्रिवेणी संगम पर, हर महीने का अपना अपना महत्व है। फिर भी चतुर्मास चतुर्मासी है, आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक, और इन 4 महीनों में भी कार्तिक महीना जो भी चल रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे आश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक का ये 30 दिन का जो काल है उसको दामोदर मास कहते हैं। हर एक महीने का एक नाम दिया गया है, दामोदर मास। तो इस कालावधि में जो भी भगवान के लिए जो भी कुछ करता है उसको बाकी समय में वो काम करेंगे तो उससे लाखों गुना अधिक लाभ होता है। जनवरी में वो काम करेंगे डिफरेंट बेनिफिट है, कार्तिक में करेंगे तो उसका लाखों गुना ज़्यादा लाभ है। मैं सदैव ही एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर वही आपको कहेगा कि आपको मीरा रोड में यहाँ पर 1 रुपया देना है और उससे आपको एक कूपन मिलेगा, वो कूपन आपको जाकर चर्च गेट में नरीमन पॉइंट पे एक व्यक्ति को एक जगह पर देना है, और जब आप कूपन वहाँ पर देंगे तो आपको 1 करोड़ रुपये मिलेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, जाएंगे ना कि नहीं जाएंगे? कि ऐसा बोलेंगे अरे इतनी धूप है, इतना धूप में अभी अक्टूबर हीट में कौन जाएगा, इतना दूर ट्रेन में कितनी भीड़ होगी, इतना तो तकलीफ उठाना मुश्किल है, नहीं चाहिए, नहीं जा सकते। तो हम क्या कहेंगे उसको, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे उसको? कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छा ठीक है फाइन। क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को आप? बोलेंगे मूर्ख व्यक्ति है। इतना आसान अगर कोई लाभ होता है तो बीमार आदमी भी व्हीलचेयर पे जाएगा है कि नहीं? वही कोई आदमी हायर करेगा 500 रुपये में, बोले धक्का मार के ले चल मुझे, ले जाना है, पहुंचना ही पहुंचना है किसी भी हालत में। अचानक तूफान बारिश हो गई, हाँ पानी भर गया सब, तो बोले नहीं जाना है, कल तक तो पहुँच जाऊँगा मैं, क्योंकि जो बताया गया है वो साधारण तौर पर नहीं बताया जाता है, उसका एक टाइम पीरियड है, 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में पहुंचना है, तो टाइम का इम्पोर्टेंस आ गया कि नहीं उधर? अभी 30 अक्टूबर को पहुंचेंगे तो उसका वैल्यू नहीं है, और 16 नवंबर को वैल्यू नहीं है उसका। उसी प्रकार से ये कार्तिक महीना है, इस महीने में आप जो भी कुछ करोगे भगवान के लिए वो भगवान उसका ना मिलियंस ऑफ टाइम्स लाखों गुना उसको लाखों बार गुणित उसका लाभ देते हैं। जो ही काम आप पहले किसी महीने में करेंगे तो उसका परिणाम अलग होगा। और ये हमें हरे कृष्णा में आने के बाद ही पता चला। वैसे तो हम भारतीय हैं, वैसे हम हिंदू भी हैं, वैसे हम ब्राह्मण भी हैं, हमारी जाति बहुत उच्च कोटि की ब्राह्मण जाति है, लेकिन नॉलेज जीरो था। क्या फायदा है ऐसे ब्राह्मणों के, मैं मेरी बात कर रहा हूँ आपकी नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण को ब्राह्मण की वैल्यू कब होती है, जब उसको ज्ञान होता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जिसको ब्रह्म के विषय में ज्ञान है, ब्रह्म का विषय मतलब ब्रह्म देवता नहीं, परम ब्रह्म परम सत्य के विषय में जानकारी है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भवेत द्विजा, जन्म से हम लोग सब लोग शूद्र हैं, संस्कार से फिर द्विज हो जाते हैं ट्वाइस बॉर्न, और फिर शास्त्र पढ़ने से विप्र हो जाते हैं, विप्र विप्र यानी एक और स्टेज है उसके ऊपर की, और जो शास्त्र पढ़ के उसको भगवान के विषय में अनुभूति प्राप्त होती है, रियलाइजेशन साक्षात्कार होता है, वो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। खाली जन्म लेने से किसी घर में जोशी कुलकर्णी के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता है, वैसे लेना भी कुछ लाभ नहीं है आजकल, क्योंकि वो सब जो हमारे जाति के और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण साउथ इंडियन ब्राह्मण सब लोग अभी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, सब कुछ करते हैं, खाली नाम के ब्राह्मण, अलग अलग नाम है उनके सबके, कुछ उपयोग नहीं उसका। और अभी मैं 2-3 दिन पहले ही शास्त्र में पढ़ रहा था
कि जिनके अंदर ब्राह्मण के गुण होते हैं उन्हीं को ब्राह्मण माना जाता है, चाहे वो जन्म से किसी शूद्र जाति की क्यों न हो। और ब्राह्मण जाति के होने पर भी किसी को अच्छे संस्कार नहीं है तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जाता। क्यों ऐसे? क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला है, चतुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने जो चार वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जन्म से नहीं बनाए हैं। गुण कर्म विभागशः, वो गुण के और आपके क्या कर रहे हैं आप, यानी कर्म क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी क्या है आपकी और आपके गुण क्या है, उसके ऊपर वो तय हुआ। अगर क्षत्रिय होगा, मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ, मराठा हूँ मैं, कोई अटैक करेगा तो भाग जाएगा, तो कैसे क्षत्रिय कौन सा है? क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है बताओ? जो अन्याय को सहन नहीं कर सकता है, उसके सामने उस पर नहीं, किसी और भी अन्याय होगा तो वो जाके कुछ ना कुछ तो करेगा। अभी तलवार वगैरह रखना अभी अलाउड नहीं है, पुराने जमाने में क्षत्रिय लोग तलवार निकल के सर काटते थे अन्याय को देखकर, वो क्षत्रिय है। जिसको अन्याय सहन नहीं होता है, उसको खून खौल उठता है, वो क्षत्रिय है। जो भगवान को जानता है, उसके बारे में अनुभूति कर चुका है, वो ब्राह्मण है। जो व्यापार करता है, कृषि वाणिज्य यानी खेती करता है, फसल उगाता है और गौ रक्षा करता है, गाय की रक्षा करता है, दूध उत्पादन करता है, और वाणिज्य यानी व्यवहार करता है, ट्रेडिंग, किसी किसी की प्रवृत्ति होती है, वो तो एक्सपर्ट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन फिर भी उनको पता है धंधा कैसे करना है, उनको मालूम होता है। लात मारी देते पानी काढ़ी, मतलब किधर भी जाएंगे तो पैसा कमाते रहेंगे, वो वैश्य है। और ये सब लोगों को हेल्प करने वाले लोग जो है वो शूद्र है, वो घटिया लोग नहीं है, वो उनको हेल्प करने वाले, जैसे कि कोई झाड़ू लगाता है, कोई पानी भरता है, कोई बिजली का काम करता है, कोई दाढ़ी करता है, मतलब नावी के रूप में काम करता है, वो लोग बेकार लोग नहीं है, वो हेल्पर्स हैं, मदद करने वाले, उनका भी अपना पोजीशन है, वो भी चतुर्वर्ण में आते हैं। उसके बाद में तीन वर्ण हैं, एक है म्लेच्छ यानी, एक है यवन सॉरी, जो मांस खाते हैं मरे हुए प्राणी का, और उसके आगे है म्लेच्छ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो खाली मांस खाते हैं लेकिन सुअर का मांस नहीं खाते हैं, क्योंकि सुअर हमारा स्टूल जो है गंदा खाता है, इसलिए वो उसका नहीं खाते हैं। और उसके आगे कुछ लोग हैं वो सुअर का मांस भी खाते हैं, उनको म्लेच्छ कहा गया है। और उसके आगे भी कुछ लोग हैं नीचे, वो है चांडाल, क्योंकि वो कुत्ते का मांस भी खाते हैं। तो यवन, म्लेच्छ और चांडाल, ये चतुर्वर्ण में अंदर नहीं है, ये चतुर्वर्ण के बाहर है। और अभी उसका डेफिनेशन नहीं दिया गया, ऐसे भी लोग हैं आजकल में, वो मांस भी खाते हैं, सुअर भी खाते हैं, कुत्ता का मांस भी खाते हैं, फिर कॉकरोच, लिजर्ड, स्नेक वो भी खाते हैं। उनका कैटेगरी शास्त्र में लिखा नहीं, वो नया कैटेगरी है। लेकिन मैं अपने सबको ये क्यों बता रहा हूँ, हमको देखना है कि हम इस गंदे कैटेगरी नहीं होना चाहिए। मनुष्य अगर हम जे के जन्म लिया है और हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम किधर हैं। अभी आप लोग ऑप्टोमेट्री कर रहे हैं तो आपको पता है ना कि आप फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, पता है ना? अब किसी को कोई पूछेगा आपको, आप कौन से ईयर में हो, पता नहीं है। कौन सा पढ़ाई कर रहे हो कोई पता नहीं है। रोज भक्ति विधान में आते हैं, पहले माले पे नई बिल्डिंग में जाके घूम के आते हैं, ऐसा होता है क्या? सबको पता है आप कौन से कॉलेज में हो, कौन से क्लास में हो, क्या पढ़ रहे हो, कभी खत्म होने वाला है, कभी एग्जाम है, कभी यूनिट टेस्ट है, सब पता है ना आपको। वैसे हमको ये भी पता होना चाहिए कि मनुष्य होने के नाते हम कौन सी कैटेगरी में हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, उसके अनुसार हमारी प्रगति होगी या अधोगति होगी, या हम डिग्रेड हो जाएंगे तो अपग्रेड हो जाएंगे। मनुष्य का जीवन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नॉलेज। कुत्ता, बिल्ली, पंछी से हमको क्या अलग करता है, कौन सी चीज़ अलग करती है हमको कि हम अलग हैं? वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी सुरक्षा करते हैं, हम भी अपना गन वन रखते हैं, दरवाजे को ताला लगा देते हैं, लैच लगा देते हैं, तो सब लोग सब कुछ कर रहे हैं। हमारा स्टाइल डिफरेंट है, उनका स्टाइल डिफरेंट है, वो अपने नाखूनों से प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, हम लोग अपना गन वन लेके जाते हैं या और कुछ सिक्योरिटी रखते हैं।
लेकिन मनुष्य को इन सारी जातियों से अलग क्या करता है? वो है नॉलेज। वो नॉलेज है तो आप मनुष्य अपने आप को कह सकते हैं। और आप भी अगर खाने पीने सोने और प्रजोत्पादन के पीछे लगे हो तो हम लोग क्या क्या भागवत में क्या लिखा है हमारे लिए, द्विपद पशु। क्या अर्थ था उसका? दो पैर वाले पशु। बाकी पशु चार पैर वाले होते हैं लेकिन हम लोग भी दो पैर वाले पशु ही हैं, क्योंकि हमारी गति गुण और कर्म उन्हीं के जैसा है। तो अगर हम लोग को अपने आप को मनुष्य के रूप में गर्व से रहना है तो हमको उनके जीवन के लेवल से ऊपर उठना है, तभी हम लोग मनुष्य कहलाने के लायक है। मनुष्य का जीवन एक प्रकार से कहा जाए शास्त्रों के अनुसार, स्क्रिप्चर्स के अनुसार, तो मनुष्य का जीवन तप करने के लिए है, नियम पालन करने के लिए है। अभी आप लोग नियम से कॉलेज में आते हो ना, आपको पढ़ना है रोज, डॉक्टर को हेल्प करना है, सीखना है, घर जाके पढ़ाई करनी है, फिर कोई टेस्ट होगी आपको, तो आप ये बिना किए हुए खाली एडमिशन लेके बन जाओगे क्या ऑप्टोमेट्रिस्ट? नहीं ना। आपने भी एमबीए किया है ना शायद? यस। किसी ने एमबीए किया यहाँ पर? हाँ, तो एमबीए किया है तो ऐसे एडमिशन लेके घर पे आ गए, 3 साल के बाद डिग्री घर पे आ गई, ऐसा हो गया क्या? कितना मेहनत किया होगा उसके लिए, एडमिशन के लिए कितना मेहनत किया होगा? तो यहाँ पर सबका प्रूफ है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ कुछ आपने छोड़कर कुछ कुछ किया है, त्याग किया है, कुछ मेहनत की है, तो आपके पास डिग्री है। मेरे पास मेडिकल डिग्री है, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की उसके लिए। बिना नियम पालन किए और बिना हार्डवर्क किए मनुष्य जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता है। खाना तो सब लोग खाते हैं, मैं भी लंच लेता हूँ, आप भी लंच लेते हो, लेकिन कार्य अलग अलग है ना हमारे। पहले अगर मेहनत की है समय पर तो अभी उसका फल है हमारे पास। तो ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य सफल करना है तो ऐसे पीरियड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जिसमें हम कुछ करेंगे मेहनत तो कम समय में ज़्यादा लाभ होता है। हम लोग क्या देखते हैं? सब लोग शॉर्टकट देखते हैं। एक होता है टेक्स्ट बुक और एक होता है एग्जाम बुक, उसमें खाली क्वेश्चन आंसर होते हैं, ऑल मॉडल क्वेश्चन मॉडल आंसर्स, हमको खाली वो ही पढ़ना है, रटना है, जाना है बस। टेक्स्ट बुक देखेंगे बाद में, हमें मिलेगा तो। हमारे मेडिसिन में भी बड़े बड़े टेक्स्ट बुक होते थे और एंड में एक चैटर्जी आता था, एंड में वो आता था किताब चैटर्जी, ओनली क्वेश्चन आंसर्स, उसको रटना है जाना है, एग्जाम में लिख के आना है, समझा नहीं समझा अलग बात, लेकिन करना तो है मेहनत ना। तो वैसे छोटे समय पर ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना है तो ये महीना बताया गया है। अभी हम लोग ने आपके हाथ में पेपर दिया ना, क्या लिखा है उसके ऊपर? दामोदर अष्टकम। महीने का नाम क्या बताया? दामोदर। और ये दामोदर यानी श्री कृष्ण भगवान, जिनका पेट यानी उदर, दाम उदर, उदर जो है वो दाम यानी दोरी से बांधा हुआ है। किसने बांधा है? माता यशोदा ने। वो जो लीला है वो इस महीने में हुई थी, इसलिए इतनी महत्वपूर्ण लीला है कि वो पूरा लीला के ऊपर ही नाम महीने को दे दिया है, दामोदर महीना। और एक मुनि हो गए सत्यव्रत मुनि, और सत्यव्रत मुनि ने ये लीला के ऊपर ये संस्कृत में 8 स्टैंजा वाला गीत लिखा है, इसलिए क्या कहा गया है? अष्टक, दामोदर अष्टक। उसमें उसी लीला का वर्णन है, कृष्ण को कृष्ण ने माखन चुराया, फिर कृष्ण को माखन चुराते हुए माता ने देखा, पहले सब कंप्लेंट सुन रहे थे लेकिन माता को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब स्वयं देखा कि मेरा बालक चोरी करता है, मैं अपने घर पे भी चोरी करता है, हाँ ये शरारत करता है, उसको विश्वास हुआ, फिर डंडा लेके उसके पीछे भागी, फिर क्या वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, उसके पीछे मैया भाग रही है, भाग रही है, पकड़ नहीं पा रही है, मैया बहुत मोटे शरीर की है, बालक छोटा सा है, जोर से भाग रहा है, मैया पकड़ नहीं पा रही है, फिर बहुत प्रयास के बाद मैया उसको पकड़ लेती है, फिर पकड़ लेने के बाद में मैया को देख कर बच्चा रो रहा है, सिसकियाँ भर के रो रहा है, पता है सिसकियाँ भरना क्या होता है? ऐसे होता है ना, बहुत रोने का बच्चे कैसे हैं, बोल नहीं पाते हैं, सकली सिसकियाँ भरते रहते हैं। आप ऐसा रोया बचपन बचपन में कभी? मुझे कई बार याद है ऐसा रोने का, वो ऐसा रुकता ही नहीं, वो सासों का स्टाइल जो है ना वो रुकता ही नहीं है। तो ऐसा कृष्ण भगवान रो रहे हैं, सिसकियाँ भर भर के रो रहे हैं, और मैया को बोल रहे हैं कि वो डंडी नीचे रखो, मुझे डर लग रहा है बहुत। तो मैया कहती है कि डंडा तो देना है लेकिन इतना डराना नहीं उसको,
तो डंडा फेंक देती है, बैत बैत का डंडा होता है। फिर वो कहते हैं कि अपने हाथों से मल रहे हैं बाल, बालों बाल नहीं आँखों को मल रहे हैं, तो आँखों में जो काजल है ना वो पूरा चेहरे पे स्प्रेड हो रहा है आंसुओं के साथ। फिर मैया उनको बांध देती है, कहती है कि ये उखल जो है इस पर चढ़कर तुमने मटका तोड़ा था, तो तुम्हारे साथ उखल भी गुनहगार है। तो दोनों को साथ में बांध देते हैं, तो दोनों को साथ में बांध देते हैं। मतलब बहुत सारा काम है तुम्हारे पास, बैठ के वेस्ट करने का टाइम नहीं मेरे पास। आज दीपावली का दिन है, बहुत सारे काम है मुझे, उत्सव का दिन है, पड़े रहो इधर कमरे में। उसको बांध के चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर कृष्ण भगवान बाल वो जो उखल है ना उसको बांध के रखा है उसको खींचते हैं, तो वो गिर जाता है ना, ऐसे ऐसे गिर जाता है। फिर वो गाड़ी बनता है ऐसे पहिए जैसा, फिर उसको खींच के पूरे घर से बाहर, आंगन के बाहर, आंगन के बाहर जंगल में जाते हैं, और जंगल के बीच में जाके उनका जो उखल है वो दो पेड़ के बीच में अटक जाता है। फिर उसको इतना सा बालक है वो, फिर भी वो ज़ोर से खींचता है तो वो दोनों पेड़ गिर जाते हैं। आपको लगेगा क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा सब किधर लिखा है, ऐसा इतना सा बालक इतने बड़े बड़े पेड़ गिर सकते हैं क्या? आप भी जाके ऐसा खींचेंगे तो पेड़ गिरेगा क्या? वो तो बहुत लाखों वर्ष पहले पुराने पेड़ थे, वो अर्जुन के पेड़ थे, यमल अर्जुन ट्री नाम है उसका, यमल अर्जुन वृक्ष, कई युगों से खड़े थे वो, शापित थे वो कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। उन्होंने शराब पीकर नग्न होकर मंदाकिनी नदी में बहुत नशे में मस्त हो गए थे वो। नारद मुनि आए फिर भी उनका रिस्पेक्ट नहीं किया उन्होंने, वैसे ही नशे में चूर रहे। तो नारद मुनि देखा, अरे कुबेर के पुत्र हैं ये, जो अर्थमंत्री, देवताओं के अर्थमंत्री के पुत्र हैं, बिगड़े हुए बड़े बाप के बिगड़े हुए बेटे, तो इनको ऐसे छोड़ दिया तो वे ऐसे रहेंगे, ये सुधरेंगे कभी? तो उन्होंने शाप दिया उनको कि कपड़े उतार कर नशा करके रहना अच्छा लगता है ना आपको, जाओ पेड़ बन जाओ। पेड़ कपड़े पहनते हैं क्या कभी? कभी कुत्ता बिल्ली को कपड़े पहना देते हैं, कभी आपने देखा है पेड़ को कपड़ा पहना हुआ? पेड़ हमेशा नग्न ही रहते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बर्फ हो, तूफान हो, आंधी हो, और कड़क सूर्य प्रकाश हो, पेड़ को ही बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है। पेड़ को कोई पकड़ता है क्या अम्ब्रेला पेड़ के ऊपर? नहीं ना, जाओ पेड़ बन जाओ। उसी समय पेड़ बन गए, सारा नशा उतर गया। डंडा पड़ेगा ना तो नशा उतर जाता है। वो कहते ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चांबाराच्या देवाला खेटराची पूजा, एक सुना है आपने मराठी में? तो चमार का भगवान होता है ना, उसको माला भी चप्पल के पहनाते हैं, ऐसा एक कहावत है। यानी उन लोगों को वही भाषा समझ में आती है। तो फिर उनको शाप दिया, फिर वो उधर ही सब नशा उतर गया, तो क्षमा मांगने लगे, अरे इधर हमको को डिस्काउंट दे दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आपको तो पेड़ बनना ही पड़ेगा। 400,000 साल के बाद में जब कृष्ण भगवान का जन्म होगा तो वो जहाँ आप खड़े हैं उस वही उनका घर होगा, उसी आंगन में आप खड़े होंगे। यानी अभी कुछ नहीं आंगन वंगन, लेकिन वो आपका जो पोजिशन है वो उनके आंगन में आ जाएगा, और उनके आंगन में खड़े होते हुए आप पेड़ के रूप में भी उनकी लीलाओं को देख सकते हैं, और फिर वो आपका उद्धार करेंगे एक समय पर। तो समय आया दीपावली के दिन, कार्तिक महीने में अश्विन अमावस्या का दिन था वो, जो अश्विन महीना समाप्त हो रहा है, कार्तिक शुरू हो रहा है। 30 दिन का दामोदर मास है, 15 दिन के बाद में दीपावली का दिन है ना, दीपावली मनाते ना, उस दिन ये लीला हुई। पेड़ गिर गए तो दो उसमें से देवता, नल कुबेर मणिग्रीव, जो पहले पेड़ के रूप में थे अभी देवता रूप में प्रकट हो गए, और तब तक तो वो भगवान की लीलाओं को देखकर बहुत पवित्र हो चुके थे, शुद्ध हो चुके थे। एक लाइन है उसके अंदर देखो, सेवेंथ को तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ, उनको भगवान ने अपनी प्रेम भक्ति को दे दिया, भगवान ने उनको वरदान दिया और प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई उनको केवल दर्शन करके लीलाओं का। फिर भगवान की स्तुति किया उन्होंने, बहुत धन्यवाद किया, गुणगान गाए भगवान के बाल रूप के, दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान ने बालक रूप में सब सुना। फिर वो अंतर्धान हो गए, कुबेर लोक में चले गए, यक्ष लोक में। और ये सब बालक लोग जो है ना कृष्ण के फ्रेंड्स,
वहां पर देख के देख रहे, चुप चुप के देख रहे थे। फिर वो पेड़ पड़ने के गिरने की आवाज हुई ना, पेड़ इतने बड़े गिरेंगे तो आवाज होगी कि नहीं होगी? जब बारिश में भी गिरता है तो कितनी जोर से आवाज होती है। दो पेड़ गिरे कहते हैं से एक इंच यहाँ से यहाँ से दूर थे, अगर एक इंच यहाँ गिरते थे उसके ऊपर गिरता, लेकिन दोनों उसके बाजू में गिरे। एक जोर से आवाज़ हुई तो सब भाग के आए। खेत में भी नंदे बाबा थे कृष्ण के पिताजी, वो कुछ काम कर रहे थे वहाँ पर, तो आवाज़ सुन के भाग के आए। क्या हो गया? यहाँ से घर से मैया और सब गोपियाँ बाहर आ गए, क्या हो गया? देखा तो दो बड़े पेड़ जो कई दिन से खड़े थे अभी गिर गए हैं, और उसके बीच में उखल में बैठा बांधा हुआ बालक खड़ा है। तो नंद बाबा आके उनको उठाते हैं, तुरंत छोड़ते हैं, बोले किसने बांधा, किसने बांधा? तो कृष्णा कहते हैं कि मैया ने बांधा। अभी कंप्लेंट करने का चांस मिला ना कि नहीं? रो रो के बोला मैया ने बांधा, तो मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा अभी, मुझे उसने दंड दिया। तो बोले फिर तुझे नहलाएगा कौन? तू बाबा, यानी आप नहलाओगे मुझे। दूध कौन पिलाएगा? आप पिलाओगे। कपड़े कौन पहनाएगा? आप पहनाएंगे। घूमने कौन लेके जाएगा? आप पहनाए, आप करेंगे। यानी मैया जो भी कर रही है, जितना भी काम कर रही है बालक के लिए, मक्खन कौन बनाएगा तुम्हारे लिए? तू बाबा। गाय का दूध कौन निकालेगा तेरे लिए? तू बाबा। सब कुछ तू बाबा। तो मैया वहाँ खड़ी है, उसको बहुत पश्चाताप हो रहा है। अरे मैंने तो बांध के छोड़ दिया उसको, मुझे क्या पता था कि ये इतना पूरा लेके जंगल तक जाएगा। इतना सा नन्ना बालक इतनी बड़ी उखल लेके घुला घुमा के उसको आंगन के बाहर जाके पेड़ में अटकाया। डर लगा उसको कि अरे वो पेड़ अगर सर पे गिरता तो क्या होता, मैं कितना अपने आप को कोसती, कितना पश्चाताप करके लाभ क्या होता, लेकिन मैंने बांधा वही गलत किया। और ऊपर से उसको पश्चाताप तो हो रहा है, और वो लेडीज़ के बीच में खड़के खड़े होकर सुन रही है, और बालक उनके पास आने को तैयार नहीं है। कितना बड़ा दुख है उसको, बालक माँ के पास जाने को ही तैयार नहीं, बाबा को ही चिपक के मैया की तरफ पीट करके बोल रहा है तू बाबा, तू बाबा, तू बाबा, तू बाबा। तो उसको तो लग रहा है कि अभी जिस काम के लिए मैं जीवित हूँ, जो काम मेरा भाग्य है, वो सारा काम अभी बोल रहा है कि नंद बाबा करेंगे, माँ के तरफ से नहीं स्वीकार करूँगा उसको। तो मैया कहती कि अभी मैं आत्महत्या कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कन्हैया की सेवा नहीं कर सकती हूँ तो मेरा लाइफ वेस्ट है। तो बाबा कहते हैं देखो मैया क्या सोच रही है, तो तुरंत छोड़ के मैया के पास जाते हैं। बहुत सुंदर, हमने एक नाटिका किया था बहुत साल पहले, कृष्णा द बटर थीफ, इंग्लिश में था लेकिन बहुत सुंदर ड्रामा था वो। आके फिर मले माँ के गले लगाता है अपने आप, मैया के प्रेम को बढ़ा रहे हो ये सब बोल के, है ना, उत्कंठा बढ़ा रहे हैं। तो ये सब का वर्णन उस भजन में दिया है, कैसे वो आंखें मल रहे हैं, कैसे अश्रु आ रहे हैं, झूठ मूठ के, सच्चे तो नहीं थे वो। जैसे माता जी बांध के चले गए ना, रोना वोना बंद, क्या सोच रहे हैं, अच्छा माँ ने मुझे दंड दिया, हाँ बांध के रखा, माँ को सबक सिखाता हूँ, दोबारा कभी नहीं करेगी, इसलिए बाहर चले गए। फिर उनको याद आया कि नारद मुनि ने इन दोनों को शाप भी दिया था, उनको भी उद्धार करना है, चलो उनको भी उद्धार कर लेते हैं, टू इन वन काम कर लेते हैं। तो बालक जो खड़े थे ना, जो चुप चुप के पीछे आए थे, वो नंद बाबा को बोल रहे हैं, बाबा बाबा आपको पता है क्या, हम लोग पीछे पीछे आए ना, तो कृष्णा ऐसे 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 आए, रेंगते रेंगते रेंगते, वो उसकी उखल जो है ना वो पेड़ के बीच में अटक गई, तो कृष्णा ने खींचा उसको, और जैसे उन्होंने खींचा वो दोनों पेड़ धड़ाड़ करके गिर गए। और पता है उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में दो बड़े देवता प्रकट हो गए, बड़े तेजस्वी, ऊंचे ऊंचे वस्त्र पहने हुए, अलंकार पहने, मुकुट पहने हुए, और उन्होंने अच्छे अच्छे गीत गाए संस्कृत में। वो लाला की स्तुति कर रहे थे, लाला यानी बालक, उसकी स्तुति कर रहे थे वो। और कन्हैया हमारा बड़े ठेठ से सुन रहा था उसको, और वो हाथ जोड़ के तारीफ कर रहे थे, उनके गौरव कर रहे थे, पता नहीं हमारा कन्हैया कौन है, ये दो देवता उनकी पूजा कर रहे थे। फिर क्या हुआ, वो दोनों अदृश्य हो गए, चले गए, वो हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा किया, भगवान को दंडवत किया, आशीर्वाद लिया और चले गए। और हमारे लाला भी ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, लेकिन नंद बाबा ने मेरे विश्वास नहीं किया, बोले बालक तो कुछ भी बोलते रहते हैं, क्या है, लेकिन वो सच बोल रहे थे, लेकिन पिताजी को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन चिंता थी। वो स्टोरी तो छोड़ो, लेकिन ये गिरा कैसे, बचा बच गया बेचारा, तो चिंता उसको उसको थी। पहले पहले किसने बांधा तुम्हें,
तो माँ को कंप्लेंट किया माँ के ऊपर। ये इतनी सुंदर लीला है कि इसको हमारे संतों ने बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा है। मैं तो आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं ये सब क्यों हुआ, क्योंकि दीपावली के दिन वो बालक हमारे कृष्ण भगवान सो रहे थे, देर से उठे, तब तक तो मैया दूध का मंथन दही का मंथन कर रही थी, पीछे से आके पल्लू खींचा और बताया नहीं कुछ, खाली इशारे में बताया मुझे आपका दूध पीना है। तो मैया ने वो बंद किया मंथन का काम और अपने स्तनपान करने को लगा दिया उसको। उतने में उसको ऐसा लगा कि अरे वो चूल्हे पर दूध रखा था वो शायद उबल रहा है, शायद उबलेगा तो नीचे गिरेगा तो जल जाएगा, इतना कीमती कृष्ण के लिए मिठाई बनाने के लिए मैंने वो चूल्हा पे रखा था। उसको जब जलने की बू आई ना, पता है ना आपको दूध जब भी उबलता है तो कैसे बू आती, तो वो बू आई तो छट से बालक को नीचे रखा और भागे किचन में। तो कृष्ण को लगा कि जब मैं दूध पीना हूँ तो दुनिया में और कोई बात काम इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, सब कुछ काम छोड़ के मैया को मुझे ही दूध पिलाना चाहिए। मैया ने ऐसे क्यों किया, जब मैं दूध पी रहा हूँ तो मैया मुझे छोड़ के नीचे रख के क्यों चली गई। तो बच्चे को गुस्सा आया, वो जो है ना, आपने कभी दूध का मंथन किया, दही का मंथन किया, कितने लोगों ने किया सच बताओ। मैंने MBBS होने तक 25 साल तक रोज किया है उसको, एवरी डे। और जिन्होंने नहीं किया है मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करना होता है। दूध आता है ना घर पे, तो दूध हम लोग उबालते हैं उबालने के बाद क्या होता है, क्रीम, तो हम लोग क्रीम को निकालते हैं, ठंडा हो गया तो और फिर क्रीम बनती है और निकाल के रखते हैं कटोरी में, फिर दूध जो पीना है उसको पी लेते हैं, बचा हुआ दूध जो है उसको दही जमाते हैं, और दही जमाने के बाद ओवर नाइट यानी शाम को रखा तो सुबह तक वो जम जाता है अच्छी तरह से। जब उसको मंथन करने का समय आता है तो कल का जो क्रीम बचा हुआ है वो डाल देते हैं उसके अंदर, और फिर आपने देखा है रवि कैसा होता है, नीचे से वो कैसा बनाया हुआ होता है लंबा, फिर कुछ छेद भी होते हैं बीच में डोरी को रखने के लिए, तो एक खंभे से एक खंभा लेते हैं तो उसको एक डोरी लगा देते हैं एक ऊपर एक नीचे, तो रवि जो है ना वो ऐसा बीच में खड़ा हो जाता है, फिर बीच में हमारे यहाँ डोरी होती है उसको दो तीन फेरे घुमा के ऐसे, क्योंकि वो सीधा खड़ा रहा है इसलिए दो जगह बांध के रखते हैं उसको ऐसे और ऐसे, और ये बीच में खड़ा है तो यहाँ से हम बैठ के उसको खींचते रहते हैं, तो रवि ऐसे 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 घूमता है दो तरफ, और उसको करने के बाद में बहुत समय करने के बाद में जो दही के और दूध के अंदर छुपा हुआ मक्खन है वो ऊपर आता है, पहले पहले ऊपर आता है तो वो सब स्प्रेड रहता है, बाद में वो इकट्ठा हो जाता है पूरा एकत्र हो जाता है पूरा एकदम क्लियर कट, छास बचता है तो पहला गाढ़ा दही था उसका छास होता है और ऊपर तैरता हुआ मक्खन आता है फ्रेश। उसको भी निकालने का तरीका है, अगर हाथ डालेंगे ना निकालने के लिए सब हाथ को मक्खन चिपक जाएगा, तो क्या करना चाहिए उसको, पानी में यहाँ डालेंगे तो भी चिपकेगा वो। हम लोग क्या करते थे, और ये हाथ से गेहूं का आटा बनाते थे, आटा गूंथते थे और तेल डालकर उसको गूंथते थे, तो हाथ को थोड़ा तेल लगता है ना बचा हुआ, बस से हाथ डालेंगे एक कण भी आपको हाथ का लगेगा नहीं। मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, आप आटे उसी समय बनाओ उसके बाद में, और आटा तेल डाल के एंड में उसको अच्छी तरह चिकना बनाओ, फिर हाथ का जो आटा है वो निकाल दो और उसी हाथ से उसके निकालो। अभी तो हाथ डालने की जरूरत भी नहीं है, अभी तो वो होता ना भजी तलने के लिए होता ना वो चम्मच होल वाला, उससे भी निकाल सकते हैं ताकि हाथ ना लगे उसको। फिर वो आपने कितने लोगों ने घर में बनाया हुआ फ्रेश मक्खन खाया है, मैंने 25 साल तक रोज खाया है एवरी डे, खुद बनाना है और खुद उसको फिर किसी भी चीज़ पे रोटी के साथ में ब्रेड के साथ में खाते थे हम लोग बचपन में, उससे बुद्धि बहुत तेज होती है। शुद्ध गाय का अगर दही जमा कर आप मक्खन बनाते हो वो हल्के हल्के पीले रंग का होता है, क्योंकि गाय के दूध में स्वर्ण होता है गोल्ड, गाय के यूरिन में भी होता है गोल्ड, एक्चुअल गोल्ड। गुजरात में एक लैबोरेटरी ने ये प्रूव किया है कि 1 लीटर गाय के मूत्र में 1 मिलीग्राम स्वर्ण निकलता है, अगर उसको प्रोसेस करेंगे तो आप
दूध से भी निकलता है। भैंस का दूध सफ़ेद होता है, गाय का दूध येलो होता है। फिर गाय के शरीर के अंदर ऐसी मैकेनिज्म होती है कि वो घास तो वही चरती है जो भैंस भी चर रही है, बकरी भी चर रही है, लेकिन जब गाय वही घास खाती है तो शरीर में ऐसा मैकेनिज्म है कि उसमें से गोल्ड निर्माण होता है, और वो गोल्ड जो होता है वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, उतनी मात्रा में होता है गाय में, सॉल्ट के रूप में होता है, ऑरम कहते हैं उसको संस्कृत और इंग्लिश में। तो वो गाय का दूध पीने से या दही खाने से या मक्खन खाने से ब्रेन बहुत तेज हो जाता है। इसलिए बालक अवस्था में जब हम पढ़ाई करते हैं ना, उस समय बालक को फ्रेश मक्खन खिलाना चाहिए। फिर वो मक्खन का क्या करते हैं, मक्खन खा के हो गया सबका पेट भर के बच गया तो फिर उसको उबालते हैं, उसको उबालेंगे 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 हल्के हल्के आँच पे, पीतल के बर्तन में या चांदी के बर्तन में होगा तो, नहीं तो स्टील के बर्तन में घुमाते रहेंगे तो उसका जो इम्प्यूरिटीज़ है ना वो निकल जाता है, वो साइड में चिपक जाता है, येलो 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 चिपक जाता है, और बीच में गोल्डन कलर का लिक्विड पैदा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, घी कहते हैं। वो घी भी येलो होता है क्योंकि उसके अंदर गोल्ड फिर कॉन्सेंट्रेट होता है, फिर हम लोग वो दाल के ऊपर, चावल के ऊपर, चपाती के ऊपर लेके खाते हैं उसको। ये भारतीय संस्कृति है। तो आप सब लोगों को वो ट्राई करना चाहिए कैसे बनाना है, बहुत आनंद की प्रक्रिया है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था, मैया उस दधी को मंथन कर रही थी, उसको बंद करके वो चूल्हे में टोप को उतारने के लिए गई थी, उसके बीच में उन्होंने कहा भी मैं अभी लौट के आ रही हूँ, आप बैठो मैं अभी आती हूँ, लेकिन बालक को क्रोध आया तो उसने क्या किया, वो डंडा जो था ना रवि मंथन मथनी उसको निकाला और मटके को फोड़ दिया। मटका उसके साइज का था, उसके ऊंचाई के बराबर था, वो इतना सारा मक्खन छास जो है वो भरा हुआ था उसको, और इतना सारा मक्खन तैर रहा था, जब फूट गया तो क्या हुआ, सब फैल गया और उसके ऊपर वो भी तैर रहा है मक्खन, तो उसने तैरता हुआ मक्खन खाया पूरा अच्छी तरह से। फिर उसको लगा अरे मैंने तो गलत काम किया, अब मैं आएगा डांटेगी, देखेगा ये क्या प्रसिद्ध बना के रखा है। तो उसी छास में से भाग के वो अगले कमरे में चला गया, कुछ हद तक छास फैला था तो उसके आगे चला गया तो छाछ के उसके पैर के निशान जो है वो आगे तक दिख रहे हैं कमरे में। कुछ देर बाद मैया वापस लौट के आई और देखा तो क्या, इतना बड़ा मेहनत करके बनाया हुआ दही का मटका फूटा हुआ, वो छाछ सब जगह फैला हुआ और मक्खन भी अभी बचा हुआ दिख रहा है इधर उधर, लेकिन बहुत सारा मक्खन था मैंने देखा था वो तो ख़त्म हो गया। तो देखा तो अरे कन्हैया ने किया, तो उसके छोटे छोटे पैर के निशान भी दिख रहे हैं, डंडा हाथ में लिया और उसके पीछे चले गए। ये उसके आगे की कहानी मैंने पहले ही बता दी आपको, इसलिए दंड दिया था उसको, क्योंकि इसके पहले बहुत लोगों ने कंप्लेंट किया था लेकिन मैया को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब घर में ही ये शरारत देखी तो मैया ने दंड दिया उसको। भगवान को कौन दंड दे सकता है, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जो प्रेम करते हैं भगवान के ऊपर वो भगवान को डांटते भी है। मैया बहुत डांटती थी भगवान को शरारत करने के लिए। यही लीला, इस प्रकार की लीला वृंदावन में होते रहती है। ये स्वयं के घर में ये सब कर रहे हैं, बाहर जाके भी करते थे, एक दूसरे के ऊपर कंधे पे चढ़ के लटकाए हुए मटके तोड़ते थे, खाते थे। इन्होंने अपना जो काम शुरू किया ना, अपना करियर शुरू किया चोरी करने का, उसके पहले सब लोग मटके जमीन पर रखा करते थे, सारे मटके बना बना कर गोले बनाकर मक्खन के जमीन पे ही जमा करके रखते थे कोने में। लेकिन ये जाके चोरी करने लगा सबके घर पे, तो मैया ने कहा अरे आप बार बार कंप्लेंट करते हो, अपने मटके को लटका के रखो ना आकाश में, मतलब छत पे लटका के रखो। तब से वो बांध के उसका एक बेस बनाकर उसको लटकाना आरंभ हो गया, फिर भी जाके तोड़ते थे तो सब कहते थे, तो सब लोग कहते थे अरे वो कंप्लेंट करते थे कि वो आके चोरी करते हैं, एक के ऊपर चढ़ते हैं कंधे के ऊपर फिर निकाल लेते हैं। तो बोले अंधेरे कमरे में रखो ना, अंधेरे में कहीं रखो, ऐसे कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो उन्होंने अंधेरे कमरे में रखा, फिर भी तोड़ते थे। तो अभी क्या हो गया, बोलते इनके शरीर में प्रकाश निकलता है, जब भी आते हैं ना तो वो अंधेरे अभी प्रकाशित हो जाता है, तो सब कुछ दिखाई पड़ता है, फिर तोड़ देते हैं उसको। ऐसे कई कंप्लेंट हर रोज होते थे। तो मैया क्या कहती थी, अरे मैं तो इतना बढ़िया से बढ़िया मक्खन बनाकर रोज उसको गले तक खिलाती हूँ, आकंठ मतलब क्या, बोलते हैं ना अभी गले तक खाना आ गया मेरा, इतना खाया कि अभी और खा नहीं सकते, उतना खिला के उसको भेजती हूँ
और 15 मिनट में आप आके कंप्लेंट करते हो कि मेरे घर में चोरी करके माखन खा रहा है, मैं कैसे विश्वास करूं उसको? इतना माखन देती हूं कि बोला बस मैया बस अभी मैं नहीं खा सकता, एक कंडीशन में उसको खेलने को भेजती हूं और 15 मिनट में आप आके कंप्लेंट कर रहे हो, तो मैं कैसे विश्वास करूं? तो क्या बोलती थी, आपको पता नहीं है, आप आके देखिए, नहीं मैं आके देखूंगी नहीं, आप क्या करना, एक बात उसको रंगे हाथ पकड़ के लेके आना। देखिए हाथ में मक्खन मुंह में मक्खन, तो हम समझे कि भाई आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। तो उस दिन से सारी गोपियों का एक ही प्रयास था कि इसको पकड़ा जाए एक दिन। एक दिन ग्वालन सब गुजरिया पकड़े शाम को, सब मिल पकड़े शाम को, सब मिल पकड़े शाम को। जैसे बहुत सारा सुंदर भजन है उसका, बहुत कोशिश किया लेकिन कृष्ण को नहीं पकड़ पाए। और जब जब पकड़ा तो ऐसा छूट गया कि मैया तक पहुंचा ही नहीं। पकड़ा तो कई बार पकड़ा उन्होंने, लेकिन इतना चालाक बालक है, अकेला नहीं सभी ग्वाल बालों को ट्रेनिंग देकर रखा था कैसे भागना है। ये सारी लीलाओं से भरा है ये मैना, और भी कई लीलाएं हैं। जब भगवान की लीला सुनते हैं या बोलते हैं तो पता चलता नहीं कितना समय कब जा रहे हैं, तो समय की पाबंदी तो होती है। इस महीने में क्या क्या हुआ, अनंत लीला हुई, लेकिन कुछ प्रमुख प्रमुख लीला बताता हूं। इस महीने भगवान ने रास रचाया, शरद पूर्णिमा की रात में मुरली बजाई, सब गोपियों को बुलाया और रास डांस किया, कोजागिरी पूर्णिमा। फिर इस महीने में एक वृंदावन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, राधा कुंड श्याम कुंड, वो दोनों स्थान को प्रकट किया उन्होंने। और इस महीने में विशेष चीज क्या हमारे लिए, जो हमको पता है बचपन से क्या होता है इस महीने में, दीपावली होती है। दीपावली में क्या क्या होता है, फर्स्ट डे क्या होता है बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ दीपावली कॉल्ड? हाँ, वसु बारस, उसमें द्वादशी के दिन बछड़ों की पूजा करते हैं। फिर क्या होता है, धनत्रयोदशी, उसको धनतेरस कहते हैं हिंदी में, उस दिन धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ। कितने लोगों को पता था, क्योंकि भक्ति वेदांत अस्पताल में धनत्रयोदशी को यहाँ बड़ा पूजन होता है, क्योंकि धन्वंतरी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, मेन भगवान विष्णु के अवतार हैं। अच्छा बताइए धन्वंतरी का जन्म कहाँ से हुआ, समुद्र मंथन, जब देवता और राक्षस लोग मिलके कर रहे थे ना, तो समुद्र मंथन से लास्ट में धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत को लेकर प्रकट हुए थे। उसके पहले 14 रत्न प्रकट हुए, उसमें एक लक्ष्मी भी है, उसमें एक इंद्र का ऐरावत भी है, उसमें एक बलि महाराज का घोड़ा भी है उच्चैश्रवा नाम का, और बहुत सारी चीज़ें हैं, 14 रत्न निर्माण हो गए, और उसके एंड में स्वयं भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, एक हाथ में लीच यानी जड़ू जिसको लगाते हैं ना गंदा खून निकालने के लिए, वो भी उनके हाथ में है, एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में कलश है जिसमें अमृत है, वो उन्होंने फिर दिया, तो उसके बाद युद्ध हुआ। तो समुद्र मंथन यानी धन त्रयोदशी के दिन उसमें से भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ। फिर अगले दिन को क्या बोलते हैं, नेक्स्ट डे को क्या बोलते हैं दिवाली के, अरे केवल चकली और लड्डू खाना है क्या दिवाली में, नॉलेज नहीं करना है, फटाके फोड़ना है, चकली लड्डू खाना है सुबह शाम, मेरा कड़बोड़े नहीं बनाया क्या, मैंने मांडे नहीं बनाए क्या, करंजी नहीं बनाई क्या, बस यही मालूम है दिवाली का। हाँ, नरक चतुर्दशी वो अगला दिन है, उस दिन क्या हुआ, भगवान ने नरकासुर का वध किया। नरकासुर कौन था, ये पृथ्वी का और भगवान विष्णु का दोनों का मिलकर हुआ पुत्र था, सत्य युग में उसका जन्म हुआ, जब पृथ्वी को हिरण्यक्ष राक्षस ने लात मारकर समुद्र के तले फेंक दिया था, तो उस समय भगवान वराहदेव ने जन्म लिया, अवतार लिया, ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए और उन्होंने समुद्र के नीचे जाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और अपने कक्षा में रख दिया, जहाँ से उसको फेंक दिया था लात मार के, वापस कक्षा में ऑर्बिट में रख दिया। तो वो जो संबंध हुआ पृथ्वी देवी और भगवान का, उसमें से बालक का जन्म हुआ। भूमि का पुत्र क्या नाम पड़ा, भौम, बाद में जाकर राक्षस का संग किया बाणासुर का, तो बना भौमासुर, दूसरा नाम है नरकासुर, दोनों एक ही है, लेकिन
भूमि देवी भगवान की पत्नी और भगवान इनका पुत्र है वो स्वयं, लेकिन राक्षस का संग हुआ तो भगवान का पुत्र भी राक्षस बना। हमारी आपकी पहचान है ना, किसके साथ में उठते बैठते हैं, हमारे साथ फ्रेंडशिप किसकी है, उसके ऊपर हमारी पहचान होती है। अगर मैं हमेशा शराबी और सिगरेट पीने वाले लोगों के बीच में आपको दिखूंगा तो आप मेरी पहचान करोगे कि ये भी करते होंगे ऐसे। इसलिए यू आर नोन बाय द कंपनी दैट यू कीप, जिसके साथ आप उठते बैठते हो वही आपकी पहचान है, वही आपका व्यक्तित्व है, वही आपका कैरेक्टर है। तो भगवान ने बहुत युगों के बाद में जब कृष्ण का जन्म लिया तो वो नरकासुर जो भूमि का पुत्र था उसने ना 16,100 राजकन्याओं को अलग अलग राज्यों से छीन छीन कर युवतियों को अपने कैद में बंद करके रखा था। उसका प्लान था कि इनको यज्ञ में बलि दूंगा और शक्तियां प्राप्त करूंगा, एक एक कन्या को, युवती को, अनमैरिड कन्या को प्रकट करूँ, यज्ञ में आहुति दूंगा, बलि दूंगा और मंत्र के द्वारा बहुत शक्ति प्राप्त करूंगा। इसलिए 16,100 लड़कियों को, अविवाहित कन्याओं को कैद में रखा था। तो भगवान सत्यभामा को लेकर गए, उससे युद्ध किया, उसको मारा और 16,100 कन्याओं को उन्होंने मुक्त कर दिया। फिर उन कन्याओं ने बोला कि अभी इतने समय हमने इनके कारागृह में विजा बिताए हैं तो हमारे साथ कोई विवाह नहीं करेगा, हमको तो आत्महत्या ही करने पड़े क्योंकि आपने तो रिहा कर दिया लेकिन आगे हमारा कल्याण कैसे होगा। तो भगवान ने उन सारे 16,100 युवतियों के साथ विवाह किया। लोग सोचते हैं कि बाप रे देखो कितने कितने लड़कियों के पीछे पागल है भगवान, नहीं, उन्होंने 16,100 कन्याओं का संकट के समय उद्धार किया है, उनको एक पोजीशन दिया है। वो तो कहीं के नहीं रह गई थी, उन्होंने कहा कि थैंक यू आपने हमको मुक्त किया लेकिन हमारा पोजीशन क्या है, हमको घर में कोई स्वीकार नहीं करने वाला है, ना कोई हमारे साथ शादी करेगा। तो भगवान ने कहा मैं शादी करूँगा आपसे, मैं मेरी रानी बनाऊँगा आपको, द्वारका की रानी बनाऊँगा आपको। सबको उन्होंने विवाह किया, एक एक रानी को एक एक महल दिया, 16,100 महल बनाए द्वारका में, बड़ी धूमधाम से विवाह किया उनके साथ में। तो ये जो विवाह हुआ बाद में हुआ लेकिन नरकासुर का वध जो है वो चतुर्दशी के दिन हुआ। फिर क्या होता है, दीपावली, दीपावली के दिन क्या क्या हुआ, भगवान को यशोदा मैया ने उकल से बांधा, एक नंबर वन। नंबर टू, उसी दिन पहले युगों में त्रेता युग में एक बार जब राम भगवान थे इस दुनिया में त्रेता युग में, तो रावण को मारकर सीता को प्राप्त करके ये अयोध्या में लौट के आए उस दिन, तो उनके स्वागत के लिए सभी अयोध्यावासियों ने दीपक जलाए, यानी दीपावली मनाई। हर घर में, हर आंगन में, हर रास्ते में, सब जगह पर दीप जलाए गए भगवान के स्वागत के लिए। तो दीपावली का अर्थ ये भी है कि उस दिन प्रभु रामचंद्र अयोध्या में लौट के आए, 14 वर्ष के वनवास के बाद सीता जी को छुड़ा कर लेके आए। कितना सुंदर इतिहास है हमारा, अगर आप लोगों को और आपके बच्चों को सबको पता होगा ये, तो दीपावली कितनी अच्छी होगी, केवल लड्डू और चकली और पटाखों पर सीमित नहीं होगी वो, और छुट्टी के दिन इतना ही दीपावली का महत्व नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट डे को क्या कहते हैं, चकली कहते हैं या लड्डू कहते हैं, ऐसा ही कुछ नाम होगा, बलि प्रतिपदा कहते हैं, बलि प्रतिपदा। उस दिन बलि महाराज जो भगवान के बड़े भक्त थे, उनको भगवान ने नरक में ढकेल दिया ना, तो उन्हें भगवान ने आशीर्वाद दिया कि साल में एक बार तुम हमारे पृथ्वी पर आकर देख सकते हो क्या चल रहा है। तो उस दिन ये मान्यता है कि बलि महाराज सुतल लोक से पृथ्वी पर आते हैं और उस दिन भी सब लोग दीपक जलाकर उनका स्वागत करते हैं कि हम लोग सब खुश हैं आपके राज्य में, उत्सव मनाते हैं। वो है बलि प्रतिपदा का दिन। उसी दिन पे गोवर्धन पूजा होती है। उस दिन भगवान ने गोवर्धन को उठाया नहीं है, गोवर्धन का पूजन किया, गिरिराज पूजन। भगवान ने गिरिराज की परिक्रमा की, पहाड़ पहाड़ जैसे भोग लगाए, इसलिए उसको क्या करते हैं, अन्नकूट कहते हैं उसको, अन्न के कूट यानी पहाड़ लगाए भगवान के लिए, और भगवान ने पर्वत का रूप धारण करके सब खा लिया, उसको कहते हैं अन्नकूट उत्सव, वो इस दिन मनाया गया। उसके बाद में इंद्र को गुस्सा आया, ये सब मुझे अर्पण करने वाले थे लेकिन ये बालक ने पत्थर को अर्पण किया, यानी पर्वत को अर्पण किया। तो क्रोध से जब वर्षा किया तब भगवान ने पर्वत को उठाया और छतरी बना दिया और सबको उसके अंदर लिया। 7 दिन 7 रात इंद्र का पानी समाप्त हो गया,
लेकिन भगवान नहीं थके, वो आराम से खड़े। तो एक कौन से दिन हुआ? बलि प्रतिपदा के दिन। उसके दूसरे दिन क्या हुआ? क्या होता है? भाऊ बीज, भैया दूज। उस दिन बहन के घर भाई जाता है और बहन उसको आरती उतारती है, उसको अच्छी तरह से भोजन कराती है। उसको कहते हैं यम द्वितीया। उसका एक नाम संस्कृत का नाम है यम द्वितीया। उसका कारण क्या है? यम द्वितीया का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यमराज और यमुना ये दोनों भाई बहन हैं। उनके पिताजी कौन है? सूर्यदेव। वो सूर्यदेव उनके पिताजी हैं। वैसे सूर्यदेव के बहुत सारे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, लेकिन उसमें दो प्रधान ये हैं, यमराज और यमराज बड़े भाई हैं, यमुना छोटी भाई छोटी बहन है। तो यमराज जो है ना, वो जब जन्म हुआ तो सूर्यदेव बोले कि इसको सब डरेंगे, जितने भी जीव जन्म लेंगे, देवता राक्षस मनुष्य कुछ भी हो, वो इनको बहुत डरेंगे, इनका मुंह दिखना ही चाहेंगे। तो बड़ा दुख हुआ मैया को। उसने फिर और एक बार एक कन्या को जन्म दिया दूसरी बार। तो सूर्यदेव ने कहा कि ये नदी के रूप में होगी, देवी के रूप में भी होगी लेकिन नदी के रूप में प्रवाहित होगी, इसके जल में जो स्नान करेगा वो बड़े भैया के डर से मुक्त हो जाएगा। तो फिर एक दिन यमराज अपने राज्य में है, यमुना जी अपने घर पे हैं, तो उन्हें बहुत भैया की याद किया कि भैया जी बहन को मिलने आए पृथ्वी पर। तो कहा बहन जी ने बहुत सत्कार किया, बहुत जी ने भोजन किया अपने हाथ से, उनको खिलाया, उन्होंने उनको दक्षिणा दिया, भेंट दिया यमराज ने। फिर यमुना कहती है कि मुझे एक आपको वर मांगना है आपसे। क्या वर चाहिए? कहते मैं दुनिया के लोगों के कष्ट को देखकर बहुत परेशान हूँ, ऐसा कोई उपाय करो कि आपके भय से मुक्त हो जाए वो, क्योंकि दुनिया में कुछ काम करेंगे तो फिर आपका मुंह देखेंगे तो आपको हाथ से दंड भोगना पड़ेगा, जितने भी पाप किए हैं तो बचेंगे कैसे इससे, आप आशीर्वाद दो। तो यमराज ने कहा, ध्यान से सुनना सब लोग, बाद में बोलना नहीं है कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं पहली बार ने आपको मैं बता दिया, अभी सारा रहस्य खोल दिया, चारों पांचों छह दिन का सब मैंने बता दिया। यमराज ने कहा कि कार्तिक शुद्ध पक्ष की द्वितीया के दिन, यानी यम द्वितीया, आज के दिन, उस दिन की बात है, आज के दिन जो भाई बहन हाथ पकड़ के आपके जल में स्नान करेंगे वो मेरे पास नहीं पहुंचेंगे, मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वृंदावन में 80-85 साल के बूढ़े बूढ़े बहन भाई भाई बहन, हाँ दादा नानियों बन गए, वो दोनों भाई बहन जो है बेटों की सहायता से पकड़ पकड़ के जमुना जाते हैं और हाथ पकड़ के डुबकी लगाते हैं। और यमराज ने यह भी कहा है कि इस दिन केवल बहन के हाथ का प्रेम का भोजन करना चाहिए, स्नान और बहन के हाथ का भोजन करेगा उस दिन तो मेरे भय से मुक्त होकर भगवत धाम चला जाएगा। इसलिए भाग्यवान है वो लोग जो उस दिन अपने बहन के हाथ का भाव बाजू क्यों ना हो खाते होंगे। कभी कभी बहनों को कुछ आता ही नहीं करने के लिए, क्योंकि बहनें MBA डॉक्टर MD PhD कर चुके हैं, उनको किचन में मालूम नहीं क्या होता है, तो वो अगर उपमा भी बना सकती है समझो आपके लिए तो भी ठीक है, लेकिन उसके हाथ का बनाया हुआ चलो कुछ भी नहीं आता है उसको, तो नींबू शरबत बनाने को आता है ना कम से कम। नींबू निचोड़ना है, शक्कर डाल के थोड़ा नमक डाल के घुमाना है, वो भी देंगे, वो भी उसके हाथ का होना चाहिए, बस बहन के हाथ से प्रेम से बनाया हुआ भोजन या पेय जो है वो भाई को देना चाहिए, और भाई को उसके अगेंस्ट उसको भेंट देनी चाहिए भाऊ बीज के रूप में। ये है भैया दूज का महत्व। तो ये चार पांच दिन तो बहुत खचाखच भरे हुए लीला है उसके अंदर। उसके आगे अष्टमी आती है। भैया दूज का दिन कौन सा हो गया? द्वितीया हो गया ना, यम द्वितीया समाप्त हो गई, हम लोग कहते दिवाली समाप्त हो गई। आठवां दिन जब आता है ना अष्टमी का दिन, उस दिन भगवान को बछड़े पहले चला देते, वो बछड़े और बछिया यानी बेबी काउ एंड बेबी बुल, उनको भगवान चलाते थे एक साल से पाँच साल तक। लेकिन पाँच साल जब हो गए, उसके आगे वाला कार्तिक महीने का जो अष्टमी आया, तो उस दिन भगवान को बड़े गाय और बैल का जिम्मेदारी दिया गया कि आज से तो बड़े गाय बैल को चराना, उसका मतलब पास पास में नहीं दूर दूर वनों में जाना, सुबह जाना दोपहर को लौट के नहीं आना है, शाम को ही लौट के आना है, क्योंकि बड़े गाय बैल बहुत दूर चराने पड़ते हैं। तो उसका नाम है गोपा अष्टमी। उस दिन नंद बाबा ने शांडिल्य मुनि को बुलाकर बड़ा समारोह किया, बड़ा
उत्सव मनाया उस दिन, बहुत उत्सव के साथ में लाखों गायों को सज धजा कर कृष्ण बलराम को दे दिया कि बेचारा वापस आओ। बहुत बड़ा उत्सव होता है वृंदावन में, बहुत बड़ा उत्सव होता है। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं। और लास्ट का दिन जो है ना कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन तुलसी जी का और विष्णु का विवाह होता है, तुलसी विवाह। वैसे तो एकादशी से लेकर 5 दिन तक किसी भी दिन कर सकते हैं तुलसी विवाह का उत्सव, उसकी भी लंबी कहानी है, मैं समय नहीं बताने के लिए। लेकिन ये 5 दिन में कभी भी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप उसको मना सकते हैं। उस दिन को कहते हैं 5 दिन को भीष्म पंचक। भीष्म देव ने इस 5 दिन का उपवास किया था। तो इस महीने में एक भी और भी वरदान है कि इन 5 दिन में जो उपवास करेगा और 6वें दिन सुबह ब्राह्मण को अपने हाथ से बनाकर खिलाएगा, उनका आशीर्वाद लेगा, उसके बाद उपवास पारण करेगा, वो भगवान धाम पहुंच जाएगा। इस महीने पूरी लॉटरी लॉटरी है। हाँ, हर एक दिन में कुछ वरदान है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण 30 दिन है। इसके अंदर जो भक्ति करेगा वो राधा रानी स्वयं उसको आशीर्वाद देगी। ऐसे ये पूरे महीने में हम लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं मायापुर में, कभी वृंदावन जाते हैं, कभी और नासिक जाते हैं, कभी कहीं ना कहीं 7 दिन क्यों ना हो जाते हैं। वहाँ पर पवित्र नदी में स्नान करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, दान देते हैं भगवान के धाम में, वैष्णवों की सेवा में दान देते हैं। तो इस महीने में तीर्थ यात्रा करना, नदी में स्नान करना, भगवान की भक्तों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण काम करते हैं जो भी आप सब लोग करने वाले हैं, हर रोज भगवान को घी का एक दीपक लगाते हैं। अभी उसकी महिमा बताना शुरू करूंगा ना तो 1 घंटा और मुझे बैठना पड़ेगा मिनिमम, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बता दूंगा कि इस महीने में अगर घी का डुबाया हुआ दीपक आप भगवान को अर्पण करते हो, आपके जन्म जन्मांतर के पाप सब नष्ट होते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पाप नष्ट करना तो नेगेटिव बेनिफिट है, लेकिन पॉजिटिव बेनिफिट यह है कि इस महीने में एक बार भी अगर आप भगवान को दीपक दिखाते हो प्रेम से, भक्तिपूर्व भाव से, तो कृष्ण और राधा रानी के लिए, भगवान के लिए आपके मन में प्रेम और भक्ति का उदय होगा। कहते हैं एक कार्तिक महीने के दीपक के सामने कोई भी पाप टिक नहीं सकते हैं, वो जलकर भस्म हो जाते हैं। और भक्ति विधान में कैसा है, आपको ना पंती लाना है, ना घी लाना है, ना दीपक लाना है, कुछ भी नहीं लाना नहीं आपको, सब रेडीमेड मिलता है आपको, रेडीमेड हाथ में घी में डुबा कर बाती पंती में रख के उधर एक मेणबत्ती जला के दीपक जला के रेडी रखते हैं, खाली लो हाथ में जलाओ और उसको भगवान के सामने प्रेम से घुमाओ। मौका दे रहे हैं भगवान को, आपके लिए खाली नहीं कर रहे हैं। जो पेशेंट एडमिट है ना वो भी रथ जाता है उनके पास, उनके पास रथ पहुंचता है भगवान का, और उनके हाथ में जलाकर दीपक देते हैं और बिस्तर में लेटकर भी ऐसे ऐसे ऑफर करते हैं भगवान को। तो बताइए भक्ति विधान में बीमार होकर आया है वो भाग्यवान है कि नहीं? उसको कार्तिक में कुछ पेट में दर्द हुआ, बुखार आया, वो भक्ति विधान में भर्ती हो गया तो वो भाग्यवान है कि अब दुर्भाग्य है बताओ? बुखार तो उसको नवंबर में आ सकता था ना, लेकिन भगवान ने उसको कार्तिक में बुखार दिया और भर्ती करवा दिया भक्ति विधान में, उसको पता भी नहीं क्या होता है। रेडीमेड उसके हाथ में बिस्तर पे दीपक आएगा और उधर से ही भगवान को दीपक अर्पण करेगा वो। देखो आप लोग सब सोच के आए थे क्या भक्ति विधान में जॉब करना है और कार्तिक में दीपदान करने के लिए वो अच्छा है, भक्ति विधान में एडमिशन लेंगे हाँ, ताकि कार्तिक में वहाँ पर दीपदान करने के सारे कर्म हमारा नष्ट हो जाएंगे, पाप पुण्य नष्ट हो जाएंगे। आपने तो नौकरी क्या जो भी है नौकरी है आपका, पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई करते करते नौकरी करते करते धन कमाते हुए विद्या अर्जन करते हुए आपको अनायास ही यहाँ पर भगवान का दर्शन हो रहा है, दीपदान करने का महत्व मालूम पड़ रहा है, दीपदान कर रहे हैं आप, कथा सुन रहे भगवान के ऑन ड्यूटी हाँ, दीपावली का प्रसाद आपने लिया कल, दीपावली लंच सबके साथ, ये सारी जो है ना उसको कहते हैं बोनस, यानी कोई प्लानिंग नहीं उसका, आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है क्या कि दीपावली में आपको दीपदान फ्री में होगा, दीपावली में लंच फ्री में होगा, दीपावली का गिफ्ट फ्री में होगा, लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में किधर? वो तो ऐसे ही है, उसके ऊपर है, वो सब सारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। इसको कहते हैं कृपा, जो हमको पता नहीं है लेकिन फिर भी प्राप्त होती है, जो पता है वो कृपा नहीं होती है, पगार मिलने वाला है कृपा नहीं होती है, पढ़ाई करके बाद में डिग्री मिलेगा वो कृपा नहीं है, उसका आपने मेहनत किया है।
लेकिन आप मेहनत नहीं किया है, लेकिन बिना मेहनत के बिना प्रयास आपको कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसको कृपा कहते हैं। तो ये कृपा प्राप्त करने का महीना है। तो अभी अधिक समय न लेते हुए मैं आपको विनती करूंगा, आपको क्या करना है, आपको रेडीमेड हाथ में दीपक मिल रहा है, ना घी आपका है, ना पंडती आपकी है, ना माचिस आपकी है, आपका क्या होगा उसके अंदर बताइए, क्या होना चाहिए? यस बताओ, व्हाट शुड बी योर्स? भाव, प्रेम भक्ति का भाव जो है ना वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, और वो उसके साथ में आपको भगवान को अर्पण करना है, तब जाकर भगवान आपको प्रेम और भक्ति देंगे, तब जाकर आपके जन्म जन्मांतर के जो संचित है वो नष्ट हो जाएंगे, तब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसी को कृपा कहते हैं, क्योंकि उसका प्लानिंग हमने नहीं किया कभी कि वहां जाके ये प्राप्त करेंगे। कृपा उसको कहते हैं जो अनपेक्षित होती है, उसकी अपेक्षा नहीं होती है लेकिन फिर भी मिल जाती है। तो ये कृपा प्राप्त करने का महीना है, इसमें कंजूसी मत करो। अभी आज ये शुक्रवार का कार्यक्रम है इसलिए आपके डिपार्टमेंट में दीपदान हो रहा है। डेली होता है क्या? डेली नीचे मंदिर में सुबह और शाम या फुल डे वहां पर रखे रहते लैंप्स, क्योंकि सुबह शाम आरती के साथ में गीत गाने के साथ में करते हैं। आपको पूरा दिन में आप जाने के पहले आने के पहले जब भी आप आते हो मंदिर में एक सेकंड के लिए अंदर जाके दीपक जला के रेडी रहते हैं उधर, वो आपको अर्पण करना है। डालने की जगह भी होती है, उसको भी सब व्यवस्था करके रेडी रखी है हमने। आपको खाली लाभ लेना है बस। आप जाओ सुबह जब काम पे आते हो वहाँ जाओ दीपदान करो, काम पे जाओ जब काम से लौट के जाते हो वापस मंदिर में जाओ वापस एक बार दीप अर्पण करो। व्हाट इज़ अ लॉस? दो बार करो, 50 बार करो, घर में जाकर 2 बार करो सुबह शाम, घर में सबको करने को बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेरा तो 4-5 बार तो हो ही जाता है। अभी सुबह मैंने घर पे किया, अभी यहाँ पर आके करूँगा, अभी शाम को मेरे 2 लेक्चर हैं वहाँ पर भी दीपदान होगा। दीपदान चलते रहते हैं हमारे, हम करते रहते हैं सब जगह, भक्ति भाव से भगवान को दीपदान करते रहते हैं। आप भी कीजिए और लाभ लीजिए, ये अलभ्य लाभ है, ये लाभ देवताओं को भी प्राप्त नहीं है जो आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम तो बड़े भाग्यवान हैं, हम तो 2500 साल से 40 ईयर्स हो गए अभी, हर रात हर दिन कर रहे हैं, हर महीने में हर साल कर रहे हैं। आप लोग भी लाभ लीजिए, और यहाँ से जब चले जाओगे तो भूल मत जाना, आपको सारा सीक्रेट मैंने खोल दिया ना, सीक्रेट पूरा। अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के समय में जहाँ कहीं भी रहोगे, शादी करके जाओगे, कहीं रेसिडेंस चेंज करोगे, जॉब चेंज करोगे, कहीं कुछ भी होगा आपका, जहाँ भी रहोगे विष्णु भगवान के किसी रूप को आपको एक दीपक अर्पण करना है हर रोज 30 दिन के लिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई मंत्र बोलने में दम ज्यादा नहीं लगता आपका, थोड़ा जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच।